पहली सेक्शन में एडवर्टीजमेंट नोटिस और एडवर्टीजमेंट है। मुझे लगता है कि नोटिस में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे कुछ भी पूछे हो, एमसीक्यू टाइप में भी पूछेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो एडवर्टीजमेंट है, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हमारे सिलेबस में दे रखा है, लेटर लेटर टू एडिटर दे रखा है, जो हमें लेटर राइटिंग में करना है फर्स्ट टर्म के लिए, और आर्टिकल राइटिंग है। तो ये तीन टॉपिक मेन है जो हम डिस्कस करेंगे आज। एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट जनरली बेटा बेसिकली अगर देखा जाए ना, क्लासिफाइड कॉलम वाले आते हैं न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स है, कोई भी पुराना अखबार उठाकर देखना, उसमें शायद 6th या 7th पेज होता है जिसपे लिखा होता है ऊपर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। उसका पर्पस क्या होता है, क्लासिफाइड क्यों, तो उसका नाम क्लासिफाइड रखा गया। एडवर्टीजमेंट तो पूरे अखबार में होते हैं लेकिन वहां पे लिखा होता है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। नहीं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स या बॉक्सेस बना रखे होते हैं, ऊपर लिखा होता है मैट्रिमोनियल, यहाँ लिखा होता है जो फॉर हाउस, फॉर सेल करके लिखा होता है, चाहे उसमें स्कूटर सेल के लिए हो, कार सेल के लिए हो, और इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं नीचे तक पूरे अखबार में। वो प्रॉपर्टी फॉर सेल होगा या फिर किसी एडवर्टीजमेंट होगा किसी इंस्टीट्यूट का, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो कंप्यूटर के लिए हो, चाहे वो किसी और पर्पज के लिए हो, फैशन डिजाइनिंग के लिए या MBA कराने के लिए, कोई भी इंस्टीट्यूट के ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस करके एडवर्टीजमेंट बने हुए हैं। ठीक है, तो उन एडवर्टीजमेंट का पर्पज क्या होता है, क्लासिफाइड मीन्स डिफरेंट डिफरेंट क्लास है उनकी। मैट्रिमोनियल एक क्लास है, फॉर सेल एक क्लास है, ठीक है, फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी और सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वॉन्टेड एक क्लास है, वो जॉब पर्पज के लिए है। ठीक है, सिचुएशन वॉन्टेड और सिचुएशन वैकेंट में क्या फर्क होता है ये ध्यान रखना। जहाँ वैकेंट लिखा होगा दैट मीन्स कि वहां पर पोस्ट खाली है। क्या है, पोस्ट खाली है। मान लो स्कूल में दो टीचर की पोस्ट खाली है, ठीक है, हमें दो टीचर्स के लिए हमें एडवर्टीजमेंट देना है, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट, पोस्ट खाली है। जहाँ पे अगर हम खाली हैं तो वो क्या होगा, सिचुएशन वांटेड। क्या होगा, सिचुएशन, ठीक है, वो होगा सिचुएशन वांटेड। वांटेड की बात करते हैं लेकिन देखो एडवर्टीजमेंट जब स्टार्ट किया जाता है तो वो लिखा वांटेड से ही जाता है वैकेंट वाला भी। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कंफ्यूजिंग पॉइंट कैसे है, जब हम एडवर्टीजमेंट लिखना शुरू करते हैं, नीचे ना लॉकर खुलाई हुआ, चौक भी उठा लगी हो, जब हम एडवर्टीजमेंट लिखना शुरू करते हैं सिचुएशन वैकेंट और वांटेड में फर्क इतना ही है। वैकेंट का मतलब क्या होता है, जहां पोस्ट खाली है, वांटेड का मतलब क्या है, जहां हम खाली हैं। लेकिन सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टीजमेंट जब लिखना शुरू करते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड ही क्या होता है, वांटेड अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वांटेड एन अकाउंटेंट, आगे किसी भी पोस्ट के लिए, आगे किस बैंक के लिए चाहिए अकाउंटेंट या किसी कंपनी के लिए अकाउंटेंट चाहिए। ठीक है, वांटेड 2, 3, 4, 5 नंबर्स हम लिख सकते हैं। और हम कब लिखते हैं, जब हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है। अगर हमें सिर्फ एक टीचर की, एक PM की, एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है तो क्या लिखते हैं, वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट, वांटेड एन अकाउंटेंट। लेकिन अगर हमें 2, 3 तो हम नंबर लिखेंगे, वांटेड 2 टीचर्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन इंग्लिश। तो याद रखना हम नंबर 1 नहीं लिखते, 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, और जहाँ पे हमें नंबर्स लिखना है 2, 3, 4 वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबर्स, वांटेड के बाद नंबर लिखेंगे। तो जो फर्स्ट लेटर लिखा जाता है एडवर्टीजमेंट भी बॉक्स में लिखा जाता है, मैंने शायद गिरा भी किया था कि जो शॉर्ट कंपोजिशन है वो चारों ही बॉक्सेस में ही लिखे जाते हैं। क्लियर है, यस मैम। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि इट शुड बी इन दी बॉक्स, जैसे आपकी बार पूछ रखा था, तो ये बॉक्स में ही होता है, फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर ही की जाती है एडवर्टीजमेंट की। आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर लिखेंगे अगर बनाने के लिए आएगा तो, होपफुली बनाने के लिए नहीं आएगा, फॉर्मेट क्या दिया गया होगा, या तो लाइनों में दिया गया होगा, कहीं पे कुछ लिखा होगा या कहीं कुछ ब्लैंक छोड़ दिया गया, मतलब कुछ तो भरा हुआ होगा, वो कुछ आपको फिल करने के लिए, और फिल करने के लिए नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे
कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में ए बी सी करके कि कौन सा सही है, पहले वाला नंबर डाल दिया जाएगा, पहले वाले टैंक में क्या आएगा, दूसरे वाले में क्या आएगा, तीसरे वाले टैंक में क्या आएगा, और नीचे ए बी सी ऑप्शन होंगे। आपको वो पढ़कर समझ में आना चाहिए, लेकिन वो पढ़कर आप तब समझ पाएंगे जब आपको रियलिटी में लिखना आता हो। आप सोचें कि भाई एडवर्टीजमेंट और जो आर्टिकल्स हैं या फिर नोटिस है, आप सिर्फ उसको एम सी क्यू करके कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसने इस फॉर्म में दे दिया तो क्या करोगे, तब तो आपको अब उसकी लैंग्वेज लिखनी आती होगी, तभी तो कर पाओगे कि यहाँ पे बीच में इस लाइन के अंदर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन लिखा होगा ऊपर, नो डाउट क्वेश्चन ऊपर मेंशन होगा अलग से, बाद में बॉक्स के अंदर ये सब कुछ दिया गया होगा। आपको ऑप्शन क्वेश्चन नंबर वन डालोगे, वन का ए बी सी डी आपको लिखना है, ए बी सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको चूज करके लिखना है, ठीक है। तरीका ये भी है, अब से पहले आए नहीं है इस तरीके, तो बेटर फॉर्मेट ये है कि आप पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट बनाना पहले सीख ले, बाद में उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो सपोर्टिंग मटेरियल है पुराने, अगर किसी के पास अरेंज हो पाए बच्चों के पास, तो पुराने अरेंज कर लो, क्योंकि इसमें एटलीस्ट बनाने के लिए तो दिया हुआ है। कहाँ पे दो वैसे खैर बेटर सिचुएशन ये होती कि हम लोगों के लिए लिखने के लिए आता, कुछ नया हम सीख रहे होते, लेकिन ऑप्शनल आएगा तो भी सीखना तो पूरा पड़ेगा ही, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो तो बहुत इजी सा है रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए। मैं प्रैक्टिस तुम्हें इसी तरीके से कराऊंगी जिसमें एमसीक्यू हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक तुम्हें कैसा करा रही हूँ कि जिसमें तुम्हें लिखना आ रहा है। You are principal, Himalaya Public School, full stop. You are principal, Himalaya Public School, full stop. Draft an advertisement for, तेरे पास रफ नोटबुक भी नहीं है, स्कूल करने की आई ना, तेरे पास इंग्लिश की नोटबुक है ना, तेरे पास रफ नोटबुक है, किसी कॉपी के गत्ते में तू लिख रही है। Draft an advertisement for the post of receptionist in the school. Receptionist की spelling बोल रही हूँ, RECEPTIONIST. Receptionist in the school. Full stop. Mention qualification, experience, requirements. Mention qualification, experience, requirements suited to the post. Requirements REQUIREMENTS. Suited to the post. देखो एडवर्टीजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं समझने के लिए कि क्या क्या नेसेसिटी होती है, क्या क्या चीजें मैंडेटरी होती है लिखने के लिए। सबसे पहली बात, और इन्हीं में बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, पहला हेडिंग क्या होनी चाहिए, पहले तो ये क्लैरिटी हो इसमें सिचुएशन वैकेंट है, सिचुएशन वॉन्टेड है, सिचुएशन वैकेंट है। क्वेश्चन क्या लिखा जाएगा ऊपर, यहाँ पे जो लिखोगे वो क्या लिखा जाएगा, वैकेंट है ये, पोस्ट खाली है, लेकिन शुरू किस वर्ड से करोगे, वांटेड से, शुरू किस वर्ड से करोगे, वांटेड से, ठीक है। बिगिन विद द वर्ड वांटेड और रिक्वायर्ड, मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, इसके बाद क्या आएगा, वांटेड के बाद नंबर, कितने नंबर की पोस्ट चाहिए, फिर कौन सी कंपनी या फिर स्कूल में चाहिए, ये हम मेंशन करेंगे, सेकंड थिंग, फिर नंबर ऑफ द पोस्ट लाइंग वैकेंट, नेम ऑफ द पोस्ट, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। रिक्वायर्ड एज लिमिट, क्योंकि किसी भी पोस्ट के लिए आज के टाइम में अगर हमें अप्लाई करना है तो एज लिमिट होनी चाहिए। ये टाइप वन है हमारे पास, सिचुएशन वैकेंट और वांटेड क्या है, क्लासिफाइड कॉलम का फर्स्ट टाइप है जो हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास फॉर सेल है, फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर
रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, फ्लैट रेंट पे देना है या खरीदना है, उसके लिए दोनों हो सकते हैं, और परचेज के लिए भी होगा। इसके अलावा मैट्रिमोनियल हमारे सिलेबस में नहीं है। मिसिंग वाले रेयर आते हैं, मिसिंग एडवर्टीजमेंट जो मैक्सिमम हमेशा जो देखने में आ रहे हैं वो तो या तो यही है सिचुएशन वैकेंट एंड वांटेड, या फिर प्रॉपर्टी सेल के लिए है, या एक और आता है जिसमें आपको इंस्टीट्यूशंस के एडवर्टीजमेंट बनाने होते हैं, या फिर कोई टूर एंड ट्रेवल्स की कोई कंपनी है वो अपना एडवर्टीजमेंट डाल रही है, उससे रिलेटेड कोई हो सकता है। वो दो तीन टाइप है मैं करा दूंगी, या फिर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी उनके दो तीन एग्जाम्पल्स, आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बताई जाएगी और अपना एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट में मेंशन होती हैं, ठीक है। जो आपको एडवर्टीजमेंट देना है उसमें आप क्या डालेंगे, क्वालिफिकेशन कितनी हो, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए कम से कम ग्रेजुएशन हो, ठीक है। उसके बाद एज लिमिट हार्डली 25 की एज हो, ठीक है। बिलो लिखा जाएगा उसमें, बिलो 25 या अबाउट 25, 25 से कम होनी चाहिए, 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में वैसे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए हमें सिर्फ कंप्यूटर आना चाहिए, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। गुड वॉइस होनी चाहिए या फिर गुड लुकिंग पर्सनैलिटी हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा जरूरी। इंग्लिश फ्लुएंसी हो, लैंग्वेज फ्लुएंसी हो, चाहे दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में हो, फ्लुएंट होना चाहिए। फिर उसके बाद जॉब रिक्विजिट में क्या कहता है कि डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ये हम जो सबके लिए बेसिक मान के चलते हैं कि ये सभी पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड होता है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें हमें मशीन वर्क आना चाहिए, तो वहाँ ये सब चीज़ें जरूरत थी। लेकिन रिसेप्शनल रिसेप्शन पे बैठने वाले के लिए उसकी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी तो होनी होनी चाहिए उसकी, बल्कि वकाब अच्छी होनी चाहिए ताकि वो फोन अटेंड कर पाए, जो रिसेप्शन पे जो लोग आ रहे हैं उनको अटेंड कर पाए। पर्सनैलिटी रिक्विजिट, इम्प्रेसिव और प्लीजिंग, सैलरी एंड पर्क्स। पर्क्स क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा बोनस वगैरह दिए जाते हैं उन्हें पर्क्स कहते हैं, PERKS, पर्क्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा पर्क्स, ठीक है। पर्क्स क्या होते हैं, जो बोनस मिलता है, चाहे दिवाली बोनस है या एडिशनल बोनस दिया जाता है या मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पर्क्स होते हैं। एक्सपीरियंस कितना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, वो हम तब बताएंगे कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। सैलरी कैसी है, नेगोशिएबल है, मतलब आने के बाद उसको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जा सकता है। नेगोशिएबल क्या होता है, भाव तोल करना, ऐसे सैलरी में नेगोशिएबिलिटी कम होती है, ठीक है। उन्होंने फिक्स अमाउंट लिख दी कि 25,000 सैलरी मिलेगी तो इतनी ही मिलेगी, लेकिन कुछ कई जगह लिखा होता है नेगोशिएबल, मतलब कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, या फिर आपके पास नॉलेज ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी अबव की जा सकती है, हाइक हो सकता है सैलरी। कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, और उससे पहले एक चीज़ और, मोड ऑफ अप्लाई, अप्लाई कैसे करना। आजकल तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अप्लाई होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वॉक इन इंटरव्यू भी हो सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए, या फिर आपको फॉर्म फिल कर इंस्टीट्यूशन में भेज दें। लेकिन ये रेयर चांसेस होते हैं, आजकल हर जगह ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, लेकिन कुछ और हो सकता है, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, हमें अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाना है। कॉन्टैक्ट एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर होगा, और वर्ड लिमिट कितनी होती है, 50 वर्ड लिमिट होती है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट फॉर द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब जो फर्स्ट एडवर्टीजमेंट है ये लिख ही लो, तभी तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट लिखो, वांटेड के बाद लिखोगे वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट, वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल, वांटेड अ रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। कैंडिडेट शुड बी वेल क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, क्वालिफाइड की स्पेलिंग लिख दी है मैंने, कॉमा। एक चीज और है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जब हम अखबार में छपवाते हैं तो हर वर्ड के पैसे लगते हैं, जितना लंबा एडवर्टीजमेंट होगा उतने ज्यादा पैसे हमें पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हम बहुत प्रिसाइज लिखते हैं, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते, कॉमा कर करके साथ साथ में सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो वेल क्वालिफाइड के बाद कॉमा लगाओ, और बेटा आप चश्मा लगा कर आए करो अगर आपकी आईज में प्रॉब्लम है। क्वालिफाइड के बाद लिखो कॉमा, मस्ट पोजेस, कॉमा के बाद लिखो मस्ट पोजेस
इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या लिखोगे? इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी स्किल्स कैसी होनी चाहिए? इम्प्रेसिव होनी चाहिए. मस्ट पोजेस इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स विद फ्लुएंट इंग्लिश, विद फ्लुएंट इंग्लिश एंड शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी, शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी. रिपीट कर रही हूं, एंड शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी. वेट करो, शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी फुल स्टॉप. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन 22 to 30. बिटवीन के बाद जो लिखा गया है 22 to 30, ये क्या है? एज है. ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन 20 to 30, डैश करके लिख लेना 22 to 30. ईयर्स, मे सेंड देयर रिज्यूम. रिज्यूम क्या होता है? मे सेंड देयर रिज्यूम विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू प्रिंसिपल हिमालय पब्लिक स्कूल, कॉमा सेक्टर 24 रोहिणी दिल्ली, विद इन टेन डेज. आगे कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर कोई भी फोन नंबर लिख दो. फुल स्टॉप के बाद लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर, और उसके बाद कोई भी अपनी मर्जी से एक फोन नंबर लिख दो.